हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस पेपर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन संख्या 0.05 के निकटतम है, मतलब उसके पास में है, ठीक है ना। इनमें से कौन संख्या उसके पास में है, तो हमारे पास ऑप्शन था 0.06, 0.51, 0.51, 0.0499, 0.0505, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे जो डिजिट हैं वो अलग अलग संख्या में है, किसी में दो हैं, किसी में तीन हैं, किसी में चार हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि पॉइंट के बाद सभी में बराबर डिजिट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे फोर था मैक्सिमम, तो फोर ही कर लेते हैं सब में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.05, 0.500। हम जानते हैं पॉइंट के बाद हम जीरो इनक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.06, 0.0600, 0.051, 0.0510, 0. इनको कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिख देते हैं। तो देखो, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0.0499, 0.0500 के पास में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ओके,